का बीजगणित आप बीजगणित एक ऐसा अध्याय है कि वास्तव में ये तो अध्याय एक अलग चैप्टर के रूप में है, लेकिन जितनी भी प्रश्नावली होती है, चाहे वो अनुपात हो, अनुपात, समानुपात, आयु पर आधारित प्रश्न, संख्या पद्धति, जो भी जितने भी प्रश्न होते हैं, हम लोग उन जब प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं माना यश। तो जो माना यश लगा देते हैं, माने ऐसी राशि जिसका मान ज्ञात ही ना हो, तो जो माना यश लगा देते हैं, कहीं ना कहीं उसका संबंध हमारा बीजगणित से हो जाता है। तो उसी बीजगणित को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो सारे अध्याय को कवर कर लेता है, सारे अध्याय को कवर कर लेता है। वैसे आज आप लोग की कंबाइंड क्लास बुलाई गई, इसका उद्देश्य यही था कि हम बच्चे हुए कोर्स को 5 से 4 दिन के अंदर कंप्लीट कर दे पूरी तरह से, ताकि आप परीक्षा के लिए प्रॉपर रूप से पूरी तरह से तैयार हो जाए। अब गणित के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, अभी आप लोगों ने हमेशा ने गणित पढ़ा, आप लोग लगातार पढ़ रहे थे, तो जब परीक्षा हाल में जाते हैं तो गणित को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूले का यूज करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये कौन सा फार्मूला आएगा, इसका फार्मूला याद नहीं है, इसका उत्तर कैसे आएगा। जब भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो हमें साम, दाम, दंड, भेद तीनों का इस्तेमाल करना होगा। हमें ये नहीं देखना होगा क्वेश्चन लगे कैसे, हमें ये पूछना है इसका उत्तर कैसे आएगा। क्योंकि अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में यह माने नहीं रखता कि आप प्रश्न को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, माने यह रखता है कि आपका आंसर सही है कि नहीं। मैं 1 घंटे में सॉल्व किया, मेरा उत्तर आया, आपने 3 सेकंड में सॉल्व किया, कि आपको कम ज्यादा नंबर, मुझे कम नंबर देंगे, अगर दोनों ने विकल्प सही किया है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की एक खासियत होती है, प्रश्न को चाहे जिसे सॉल्व करेंगे आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। इसलिए जो बीजगणित का चैप्टर बचा हुआ था वो मेरी जिम्मेदारी में था, तो बीजगणित हम आपको पढ़ाते हैं। बीजगणित में एकदम सिंपल क्वेश्चन आपके आने हैं, एकदम इजी, बहुत ज्यादा घुमा के ना बहुत ज्यादा उड़ा के। कल ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, देख लीजिएगा, हम लगवा दें, उसके बाद हमेशा आएंगे आपको संख्या पद्धति पढ़ाएंगे, और लगभग आज मेरे हिसाब से संख्या पद्धति खत्म भी कर देंगे। ये हमारा प्रयास है कि आपका सिलेबस किसी तरह खत्म करके आपको स्कोर तक पहुंचाना, इसलिए संख्या चाहते एकदम कम से कम है, जितना कम उतना बेस्ट, ठीक। तो कल हम लोगों ने देखा, जिससे आप लोगों ने कुछ फॉर्मूले पहले से रख के रखे होंगे, कौन से फॉर्मूले रखे होंगे, a+b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b² (a + c) का होल स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूले मेरे हिसाब से आप सभी को याद होंगे। इन सभी फॉर्मूले का प्रयोग करके हम आज प्रश्नों को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको गणित की एक नोट्स मिली होगी, आप सभी तक पहुंचा होगा, जो ऑनलाइन उनको PDF में प्रोवाइड हुआ होगा, जो यहाँ बैठे उनको मिला होगा हार्ड कॉपी, अगर आपने पेमेंट किया होगा तो। उसमें एक चैप्टर, एक अध्याय है बीजगणित संक्रियाओं पे आधारित प्रश्न, वो प्रश्न जो अगर लगाया जाए तो एक प्रश्न को लगाने में 4 से 5 मिनट लगेगा, लेकिन अगर आज आप समझ लेंगे इस टॉपिक को तो मात्र 3 सेकंड सॉल्व करने में, और ये बहुत बड़ी बात है। 3 सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने में, 2 सेकंड रखने में, माने एक क्वेश्चन 5 सेकंड में और एक क्वेश्चन वहां से आना तय है पूरी तरह से, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं उस बीजगणित के प्रयोग कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन आता जिससे आएगा, फॉर्मूला सबको याद है, फॉर्मूला रटाना नहीं है, फॉर्मूला बताना नहीं है, ऐसा एक फॉर्मूला भी मुझे बताना पड़ेगा, फॉर्मूला आप लोग रख लीजिएगा, वो फॉर्मूला होगा a+b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, हम बोलते चल रहे हैं, लिख लीजिएगा a² + लिखवाना ही होगा क्या उसमें नोट्स में होगा, अच्छा नहीं, अच्छा a+b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² इसमें अगर किसी डिजिट को आगे पीछे कर दे, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम अगर b² + a² + 2ab कर दे तो कोई इसमें अंतर आएगा, इसमें किसी प्रकार कोई अंतर नहीं है। a - b² क्या होगा, a² - 2ab + b². और a + b² का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है a + b * a + b, उसी को लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला बनता है a² + 2ab + b² ठीक। अब आता है a² - b², ये समझते चलेगा, अभी सब आसान हो जाएगा। गणित a² - b² एक कोष्टक में a + b, दूसरे में a, हमें जरा मैथ के नोट्स लेते हैं नीचे से, जॉब लोग की a² - b² बराबर एक कोष्टक में a + b, दूसरे में a - b, ठीक। फिर एक आता है a + b + c का होल स्क्वायर। बहुत हल्के प्रश्न आएंगे इसमें, मत रहिएगा कि बहुत गहरे क्वेश्चन आएंगे, लिखित परीक्षा है
दो क्वेश्चन कर लेंगे, 18 एकदम ऊपर तैरते हुए आएंगे। एक प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। अगर यह चिन्हों में अंतर आता है, अगर कोई चिन्ह प्लस के जगह माइनस का यूज करता है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जैसे कोई चिन्ह देखिए ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो पहले क्या लिखेंगे, पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। काहे, अगर ए स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो माइनस बी गुणे माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस सी का स्क्वायर प्लस। अब देखिए फिर क्या है, टू ए बी, ध्यान दीजिएगा, प्लस टू ए बी तो प्लस टू गुणे ए गुणे बी करेंगे माइनस टू ए बी। फिर टू बी सी, बी सी टू गुणे माइनस बी गुणे माइनस सी करेंगे प्लस टू बी सी प्लस प्लस ए सी, ए प्लस गुणे माइनस माइनस तो हो जाएगा माइनस टू ए सी। अगर यह फॉर्मूला याद है, चिन्ह अगर बदलता भी है तो आप आसानी से सॉल्व कर। इसको आप समझ लीजिएगा। ये समझ लीजिएगा तब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। हो गया, मिटा इसको। अब इसी फार्मूले भी फार्मूला बनता है, फार्मूले पर भी फार्मूला, लेकिन ये आपको अपने दिमाग में रखना होगा, सेट करके रखना होगा कि फार्मूले में फार्मूला कैसे बनता है। यहां से एक क्वेश्चन आगे एकदम फिक्स रहते हैं। देखिए, अगर मैंने ए माइनस बी का होल प्लस फोर ए बी, ध्यान दीजिए मैंने फॉर्मूला क्या लिखा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी, तो थोड़ा सा दिमाग में अपने जोर दीजिएगा, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे दिया जाएगा, अगर इसे प्लस फोर ए बी जोड़ देंगे तो प्लस फोर ए बी में से माइनस टू ए बी जाएगा, क्या बचेगा, तो ये यही उत्तर आएगा। तो या इसका भी उत्तर यही होगा, इसका भी आंसर, दोनों का आंसर एक ही होगा, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो ये प्राप्त होगा माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक, ये टूट के बाहर आएगा। फिर अंदर से फोर ए भी जोड़ेंगे, माना है आपने फोर ए भी जोड़ दिया तो माइनस टू भी प्लस फोर ए भी, तो बड़े में से छोटे को घटाकर बड़े का चिन्ह रखते हैं, फोर ए में से टू ए गया प्लस टू ए भी, माने यही प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या है, फार्मूले से फार्मूला बनेगा, बात समझते रहे क्योंकि इसका यूज होगा। लोग कहते हैं कहते क्वेश्चन टफ आता, कुछ नहीं आता, सबसे तब हलुआ क्वेश्चन आएगा लिखित परीक्षा में, 18 क्वेश्चन एकदम हलुआ रहेगा, चम्मच लगा ये खा जाएंगे। फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बस, यह पूरा लिख लीजिएगा और मैं एक बार पुनः पढ़ के समझा दे रहा हूं, सुना दे रहा हूं, शायद आपके कान तक पहुंचे। पहले हम लोग लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी फोर ए बी। अगला आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर इसका एक क्वेश्चन एक और बनता है, इसके विपरीत से लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी, माइनस फोर ए बी में फोर ए बी में से टू ए बी जाएगा तो माइनस टू ए बी बचेगा, यही आ जाएगा। फिर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबसे ज्यादा इसका प्रयोग होगा आपकी परीक्षा में, सबसे ज्यादा इस फॉर्मूले का प्रयोग होगा आपके परीक्षा में, पांचवी भर्ती लिखित परीक्षा में सबसे ज्यादा इस फॉर्मूले का प्रयोग होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी, माने इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यही प्राप्त होगा, ठीक। और आगे आए, आगे बढ़े, ये हो गया। फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी, ठीक, दो रट्टा मार दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी। अब इसमें चिन्ह बदल दे, चाहे तीनों माइनस कर दे चाहे दो माइनस करे, इसी के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये फॉर्मूला है, ठीक। अब क्यूब पे चले मिटाए, आज आप लोग साथ दे देंगे तो आज गणित खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। ए प्लस बी का होल, इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका मतलब यही होता है, इसे ए क्यूब का मतलब होता है ए गुणे ए गुणे ए, उसी तरह ए प्लस बी गुणे ए प्लस बी गुणे ए प्लस बी, तीन बार करेंगे और तीन बार गुणा करेंगे तो जो उत्तर प्राप्त होगा वह क्या होगा, लिख लीजिएगा आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस थ्री ए बी कोष्टक में ए प्लस बी। एक इसका एक फॉर्मूला और बनता है, कैसे बनता है, ए माइनस बी के होल क्यूब में प्लस सिक्स ए बी कोष्टक में ए प्लस बी। ये उतना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं, कितना जानते नहीं, ये करेंगे तो घुस जाएंगे अंदर, जाने ये मत लिखेगा। अभी यहाँ पे दो फॉर्मूला कर दूंगा, फिर आता है ए माइनस बी का होल क्यूब, इसमें भी कैसा माइनस माइनस हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी कोष्टक में ए माइनस। लेकिन कभी कभी इन फॉर्मूलों को तोड़ के पूछता है, अभी बताए कैसे पूछेगा, एक नंबर पूछता है और एक नंबर आपका फिक्स रहता है, लगाएंगे तो एक पन्ने में लगेगा, इसी फॉर्मूले को तोड़ देगा। देखिए मैं दोनों फॉर्मूले को तोड़ रहा हूँ, अगर मैं इसी को तोड़ रहा हूँ कैसे होगा, देखिए ए क्यूब माइनस बी, अब तोड़ने का मतलब इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो माइनस थ्री ए बी को गुणा अगर ए में करेंगे तो माइनस गुणे प्लस माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, तो माइनस गुणे माइनस प्लस थ्री ए बी का स्क्वायर, तो मैंने तोड़ दिया फॉर्मूले, क्या किया मैंने तोड़ दिया। इसी तरह ये भी तोड़ता है, अभी मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन एक लाइन में देगा का निम्नलिखित का घनमूल निकालिए और एक नंबर रहे क्वेश्चन, देखिए दिखाऊंगा क्वेश्चन लगाएंगे एक पन्ने में लगेगा, अगर ये याद है तो तुरंत तीन से चार सेकंड में बता देंगे इसका उत्तर ये आएगा। अरे मैं क्वेश्चन देखे दिखाऊंगा कैसे आएगा, और आपको लगे तो बहुत टफ सवाल है, बहुत टफ, लेकिन वास्तव में टफ नहीं होता। आगे बढ़े, योगे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आता है ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस, इसके दो फॉर्मूले बनते हैं, पहला क्या बनता है ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला दिया हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब, एक क्वेश्चन ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस, सबसे ज्यादा इसका प्रयोग भी हम करेंगे, ये सब ऐसे फॉर्मूले जिनका प्रयोग आपके अध्याय में होना ही होना, और यही है आपका जो उत्तर तीन से चार सेकंड में लाएगा। अब एक इसी का एक और बनता है, यदि हम a माइनस बी के होल क्यूब प्लस माइनस प्लस थ्री ए बी कोष्टक में ए प्लस बी एड कर देंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमें ये माइनस करके इसको प्लस कर दीजिए, ये प्राप्त हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी, इसको तोड़ेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़ेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, माइनस थ्री बी कर देंगे तो माइनस थ्री बी माइनस थ्री बी कैंसिल, तो बचेगा ए क्यूब प्लस बी, इसका दो फॉर्मूला बनेगा। गुणनखंड में इसका प्रयोग करेंगे, प्रश्नों को सरल करने में इसका प्रयोग, दोनों का प्रयोग होता है, दोनों जानते रहिए, ये ज्यादातर प्रयोग इसका होता है। फिर आता है ए क्यूब माइनस बी, इसका क्या होगा, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर इसका एक फॉर्मूला और बनेगा ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब में प्लस ए क्यूब माइनस बी लिख लीजिए, फिर आते हैं बताते हैं किसका प्रयोग करेंगे। इसमें एक प्रश्न ही ऐसा आता है जिसका उत्तर एक या जीरो आता है, इसके बाद उसको बस जैसे प्रश्न आए उसको उत्तर खोजिए कहां एक है या जीरो, बस फिर उसका उत्तर है, इसका उत्तर यही आएगा, चार जैसा प्रश्न बने, चाहे इतना बड़ा प्रश्न बनाए,
उसका उत्तर फिर से ही एक जीरो आएगा, तो उसको भी रोक रहे, उसको भी कल बताएंगे। हो गया, मतलब प्रश्न अगर चार्ज इतना बड़ा आ जाए और उसका उत्तर खोजे, उसका उत्तर है कहाँ, लगाना नहीं है, फार्मूला से प्रूफ है, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, बताएंगे तो बताएंगे क्या कंडीशन है जीरो की, क्या कंडीशन एक होगी। ये हो गया, और उसी हर किताब में फार्मूले मिल जाएंगे, जो मुझे बताना था वो नहीं मिलेगा। अब देख लीजिए, अब जो इन फार्मूले का यूज करना वही आप देख लीजिए, एक तो यूज करना है एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी दूसरे में ए, एक फॉर्मूला तो मैं ये यूज कर रहा है, दूसरा यूज करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक यूज करेंगे ए क्यूब माइनस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, इन्हीं तीन फॉर्मूले का हम यूज करेंगे पूरे अध्याय से, वर्तमान समय जो अध्याय हमारे चलेगा इसी काम से बात करेंगे। आपको 24-25 मैराथन गणित पढ़ाई जाएगी। ये मैराथन गणित क्या होती है, पूरा सिलेबस 3 घंटे में खत्म, पूरे सिलेबस गणित की, पूरा सिलेबस लिखित परीक्षा का क्वेश्चन करेंगे, कि क्वेश्चन करेंगे कहां कहां प्रश्न पूछेगा, इसे आप कहते हैं गेस क्वेश्चन। यूपीटेट में 6 क्वेश्चन फंसा था मैराथन के 52 मिनट से, पेपर भी होगा वीडियो भी पड़ा है अपलोड है देख लीजिए। अब आते हैं, हो गया, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, यार दो लिख चुके हैं मैंने, बीच भाई 20 उठा के डाल दिया आपको, पहले लिखवा दिया। अब पहले मैं जो समझा रहा हूं वो समझ लीजिए, एकदम दिमाग की जगह रखिएगा, केवल टॉपिक को समझिएगा, वह टॉपिक आपके परीक्षा का 3 मिनट बचाएगा, अगर समझ में आ जाएगा तो कोई प्रश्न होगा 3 सेकंड में सॉल्व करेंगे, 3 या 5, 3 या 5। ध्यान से समझिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी, अगर इस तरह से कई फार्मूला आपको मिल रहा है तो उसका उत्तर आएगा ए माइनस बी, कैसे आएगा खूब ध्यान से समझिएगा, इसको तोड़ेंगे ये होगा एक कोष्टक में ए प्लस बी दूसरे में ए माइनस बटे ए प्लस बी, ए प्लस बी ए प्लस बी से कैंसिल, क्या आएगा ए माइनस बी। ठीक, अब इसका क्वेश्चन देखिए कैसे मैं करा रहा हूं, 13 का क्यूब स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बटे 13 प्लस 10। मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है, सेम ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर, ए नीचे प्लस, तो उत्तर क्या था ए माइनस, तो उत्तर 13 में से 10 गया, कैसे आया, कैसे आया, अभी सीख, अब लगाना, लगाएंगे कैसे इसको, या तो फॉर्मूले में रखे, अभी मैं ट्रेलर अभी इसको और कितना कठिन में करूंगा, अभी तो सरल दिया, इसको और टफ करेंगे, तो मैंने क्या किया 13 में से इसको घटा दिया, तो इसको घटा दिया, कितना आया 3 सेकंड से ज्यादा, क्वेश्चन देखा आप लोग उत्तर बताया, 3 सेकंड मैंने अधिकतम लिया कि क्वेश्चन टफ होगा, टफ अभी बटे में आएगा, सही बटा वाला भी देंगे, सब ऐसे लगेगा, कैसे लगा देख लीजिए, एक लाइन सबको समझ में आ जाए, मैंने क्या कि ये फार्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक क्वेश्चन में प्लस भी एक क्वेश्चन में, ये हो जाएगा 13 प्लस 10 दूसरे में 13 माइनस 10 पूरे का बटा 13 प्लस, ये कट गया 13 में से 10 गया बराबर, इजी लगता है, लिख रहा है सरल लग रहा है, अभी आप लोग लगा तो हम ऐसे लगा लेते, ये हुआ, मैंने केवल एग्जांपल दिया इसका, मैं एक उदाहरण लेता हुआ चल रहा हूं। ठीक, आगे बढ़े, अब यहीं पे अगर हम ए माइनस बी करते रहे सब कुछ वही है, ए माइनस बी इसका उत्तर क्या आएगा ए प्लस बी, कैसे एक कोष्टक में ए प्लस बी
दूसरे में ए माइनस बी पूरे का बट्टा ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस बी से कैंसिल, बचा ए प्लस। अब क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इसका उत्तर क्या होगा? अरे थोड़ा सा टफ किया क्वेश्चन, क्या करना? देखिए जब इतना क्वेश्चन आएगा इसके पहले हर में देखेंगे, हर दो है, जुड़ा ही घटा है, घटा है, नौ में से सात गया है, दो कम हुआ है, माने घटा है, माने माइनस है, ये माइनस है तो कट जाएगा, जुड़े होगा, उत्तर क्या आएगा? प्लस में, जोड़ में, तो नौ सात एक दशमलव छह, उत्तर क्या होगा इसका? एक दशमलव। अब तीन सेकंड लगेगा ये ठीक करने के लिए, मैंने इस बार डायरेक्ट नहीं दिया, 0.9 माइनस 0.7 मैंने क्या सॉल्व करके रख दिया, क्या लिखा? मैंने लिखा 0.20। आप कहेंगे टू आता जीरो क्यों लिखे, मैंने दशमलव पढ़ाया, सर ने भी पढ़ा होगा, दशमलव को नंगा नहीं रखते, जैसे 0.5, 0.5, 0.50, 0.500, 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
कोई मतलब नहीं है ठीक। उसको नंगा करके दोनों तरफ से कपड़ा पहना दिया, इधर पहन इधर से शर्ट ठीक। समझ आया आप लोग को इसका उत्तर क्या आया ठीक? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अभी और आगे बढ़ रहे, अभी इसको टफ करेंगे, अभी तो ये है धीरे धीरे बढ़ा रहे। मैंने कहा 3 सेकंड और 3 सेकंड, 3 से 5 बेटा। अब दो क्वेश्चन करा देते हैं। अब जो वर्ग की बात आ गई तो आपको वर्गमूल और घनमूल याद करना होगा, कितने तक की 20 तक की वर्ग और 15 तक की घन, एकदम जुबान पे एकदम रखता मालूम होगा। किसके लिए? अगर रीजनिंग में 5 के 5 सही करने हैं और यहाँ आपको नंबर फिक्स करने हैं मैथ में, तब अगर रीजनिंग 5 के 5 सही लाने हैं आपको वर्गमूल घनमूल जुबान पे होना चाहिए। कोई नंबर बोले उसका घनमूल और वर्गमूल बोले, कहेंगे अरे सर हम तो निकाल लेंगे, तो निकालने वाले पकड़ ही नहीं पाएंगे किसका है ये, निकालने वाले पकड़ ही नहीं पाएंगे ना। चलिए अब आगे, अब क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, देखता हूं कौन सॉल्व करके उत्तर बताता। 3-4 पहले ही देता हूं। इसका आंसर क्या होगा? 0.49 फिर 0.36 बटे 1.3। भाई मैं थोड़ा सा इजी कर रहा हूँ, कैसे ये जोड़ा गया वो घटेगा? आपने पूरा जोड़ दिया, पहले आपने ये नहीं देखा इसमें ए और बी क्या, ए और बी क्या? 3 सेकंड मैंने आपसे कहा था ये वर्ग होगा 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.6 का स्क्वायर, फिर ये होगा, ये जुड़ने पाया। अब घटाएंगे सर में 6 का कितना होगा? 1। इसको लिखेंगे भी नहीं देगा उत्तर 1/10, उत्तर 10 नहीं देगा, उत्तर देगा 1/10। आप कहेंगे अरे बटे में उत्तर आया, तो ऐसे लगेगा सर। आपको ये देखना है किसका वर्ग है, अभी तो मैंने 3 सेकंड कहा था, आपको लगा तो 1 सेकंड मार ले रहे हैं। मैंने 3 सेकंड से 3 से 5 सेकंड कहा था, ये देखना है क्या वर्ग किसका है, तो ये वर्ग किसका है, ये वर्ग किसका है, फिर ये देखते हैं जुड़ा है, हमें क्या करना है घटाना। 1/10 को लिख सकते, 0.1 को लिख सकते हम 1/10 ठीक। समझ में आया? अब उसका उत्तर जो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, सबसे पहले कौन बताएगा आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। करें
यही क्वेश्चन लिखिए आप लोग, अब क्वेश्चन लिखेगा भाई, सेम क्वेश्चन लिखूंगा मैं, मुझे कुछ सिखाना था। इसका उत्तर अब चाहे जो बताए, जो भी तेजू खाओ जो खाओ सब बताए। हाँ दस आएगा, जैक देख लीजिए, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं कर उलट देगा, बच्चा कुछ करेगा नहीं, उसी क्वेश्चन में पलट देगा, सेम उत्तर लाना था। इस बार क्या आएगा, ये दो माइनस तीन है, ये क्या है, एक दशमलव दो का स्क्वायर, ये क्या है, एक दशमलव एक का स्क्वायर, तो बारह बारह ग्यारह तेईस, दो दशमलव तीन घटाना होगा, बारह में से ग्यारह गया एक बटे जीरो पॉइंट वन, इसको लिखेंगे एक बटे का था दस ऊपर गया, दस बटे एक बराबर दस, तो उत्तर दस। दसवा हटाने के ऊपर जीरो घंटों बढ़ा दीजिए, बात खत्म खत्म, आ गया दस तो आपके ऊपर नहीं लगा दिए, साल खत्म, कागज लंबा खींचेंगे। इसका उत्तर क्या आएगा, तो कभी कभी उल्टा पूछता है, हम कहते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो यही फॉर्मूला लगेगा। हो गया, हो गया, आगे बढ़े। उत्तर क्या होता है, मैंने प्रश्न क्या लिखा, आठ बटे चार से एक बटा दो गुणे चार से एक बटा दो माइनस तीन से एक बटा दो गुणे तीन से एक बटा दो। जी आप क्या कह सकते, पांच सेकंड बस, ज्यादा ज्यादा पांच सेकंड, एक आएगा एक पांच। हाँ ये लगा बुद्धि, अभी ये सीखना हम लोग को बीच गणित में, अभी तक गणित पढ़ रहे थे, अब गणित क्या करना है, चुटकी में सॉल्व करना सीखना है, अभी सारे अध्याय से पढ़ाएंगे, सारे अध्याय अमित सर और हम लोग मिल खत्म कर देंगे आपका, यही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्कोर कराएगा, बाकी सब में सब बराबर रहेंगे। अब इसको लगाएंगे कैसे, कैसे लगाएंगे इसको सीख लेते हैं, एक क्वेश्चन का इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एक अगर ये क्वेश्चन से वैसे लिखते हैं, यही क्वेश्चन तरह से ये बना कैसे, ये देखिए इसका ये मतलब है चौदह का स्क्वायर माइनस तेरह का, मन में तुरंत चौदह स्क्वायर माइनस तेरह का स्क्वायर, और चौदह तेरह सत्ताईस, मानिए क्या हुआ है जुड़ा, ऊपर जुड़ा है, हमें घटाना है, तो चौदह में तेरह क्या एक बटे एक, सेम कंडीशन है। अब ये देखिए ये स्क्वायर होगा चार सही बड़ा दो का स्क्वायर, तीन सही बड़ा दो का स्क्वायर, एक क्वेश्चन में प्लस एक क्वेश्चन में माइनस भी जोड़ेंगे, चार तीन आधा आधा एक, तो सात एक जुड़ा है, तो जुड़ा जुड़ा कर गया, बचेगा घटाना, तो चार में से तीन गया एक और एक बटा दो कितना होगा, एक सही एक बटा बस एक बटा एक बटा कैसे, एक बटा एक बराबर, अब इसको सॉल्व करके देखिए कितना टाइम लगता है,
हो गया, कुछ नहीं करना था मैंने, क्या क्या इसको चार से बड़ा दो, चार से बड़ा दो मतलब चार से बड़ा दो का स्क्वायर, ये तीन से बड़ा दो का स्क्वायर, ये प्लस है चार तीन सात, चार तीन एक एक दो मतलब आधा आधा आठ, आठ हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा देख लीजिए, अच्छा अगर इसे फॉर्मूला बनाते तो ऊपर बचेगा ए प्लस बी, नीचे एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस, ऊपर कैसे बचा, ऐसे बचा ठीक। सो नया इसी में एक टाइप का प्रश्न और आता है, उसको भी आप देख लीजिए, फिर हम लगातार साथ में। तो दो मिनट इधर फॉर्मूला पढ़ाता हम लोगों ने, ए क्यूब ए क्यूब माइनस बी बटे ए स्क्वायर प्लस ए, या प्लस कर देते हैं माइनस कर देते हैं, ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए इसका उत्तर आएगा डायरेक्ट उस पुस्तक में ए प्लस बी माने ए धन बी का योग, उत्तर यही होगा। कैसे होगा देखिए, इसको तोड़ते हैं, ए क्यूब प्लस बी को अगर हम तोड़ेंगे हमें प्राप्त क्या होगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर पूरे का बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा कट गया। उत्तर क्या बचा, प्रश्न कैसे आएगा देख लीजिएगा, ये प्रश्न बनेगा आपका 512 में लिख लीजिए, आठ का क्यूब माइनस छह का क्यूब बटे चौसठ, अच्छा प्लस, अच्छा प्लस दिमाग बोझा था, क्वेश्चन बनाने लगते हैं अगला नहीं, इसीलिए चौसठ माइनस अड़तालीस प्लस। अभी तो ये सिंपल इसलिए लगे तो जो हटाए कर लेंगे हम, दसवलम होगा तो दिक्कत होती, डायरेक्ट उत्तर ही लिखेगा। जब इस तरह का प्रश्न आपके सामने आए, अगर आपको क्वेश्चन परीक्षा में समय नहीं बचा है कुछ मत करिएगा, बस ए और बी को जोड़ दो, बात खत्म। ये दसवलों बात है कि मैं दसवलों नहीं बताया, कुछ करना ही नहीं है आपको। अगर इस तरह परीक्षा में प्रश्न आएगा ये समझ में नहीं, नीचे वाला क्या करना है इसको सब छोड़ दीजिए, अगर क्यूब प्लस का निशान है ए धन बी उत्तर चौदह कैसे आएगा देख लेते हैं। एक क्वेश्चन बता दे रहे बाकी आपको बता देते, कुछ करना ही नहीं है उत्तर खोजना, अभी मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन क्या करना है। ये होगा एक कोष्टक में आठ प्लस छह, दूसरे में होगा आठ का स्क्वायर माने ए स्क्वायर, आठ चौसठ माइनस ए बी माने ऑप्शन अड़तालीस प्लस छत्तीस पूरे का बटा चौसठ माइनस अड़तालीस प्लस छत्तीस से कट गया, बच्चा आठ प्लस छह बराबर चौदह। ये दसवलों में ही इसलिए आपको लग रहा है कि नौ ऐसे लगा लेते हैं, लेकिन तब भी कुछ नहीं करना है, केवल ए धन बी जोड़ देना। कभी कभी इसे पलट देता है तो हम घबरा जाते हैं, कैसे पलटा देखते हैं कैसे पलटा। ये हो गया, इसके लिए क्यूब याद होना चाहिए क्योंकि अभी तो हलवा लग रहा है, लग जा रहा है, हलवा पानी पड़ जाएगा तो गीला हो जाएगा, तब समय लगे खाने में। बना है दिल्ली में, मिला के घोस दो, हो गया पानी मिला था ढेर सारा चीनी मिला था तैयार खा गए सब, हो गया मिठाई। अब इसे अगर पलट दी कुछ नहीं करना है, अगर पलट दिया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक बटा एक प्लस बी, अब मुझे मत पूछेगा उत्तर कहां से आया, वही को मैंने पलट दिया, जो पहले प्लस बी प्राप्त होता था उल्टा प्राप्त होगा, क्यों, क्योंकि इसका इससे कट जाएगा बचेगा बटे प्लस बी ठीक। लगा के दिखाए, लगा के दिखा दे भाई,
सेम क्वेश्चन है मत्स्यपालन भी बड़े 25 सही है सही है बहुत सही। अब मतलब आप सीख लीजिए एक बटे ठीक किसका 97 किसका क्यूब है 13 क्यूब ये किसका क्यूब है 12 का क्यूब। मैंने कहा जब ये कंडीशन आ जाए ऊपर प्लस माइनस दिख जाए इन दोनों का योग इन दोनों का योग है बटे उत्तर ताकि सॉल्व करेंगे सॉल्व करना ही नहीं है जाए दिख जाए ए धन बी माइनस ए माइनस बी बस काम खत्म। हो गया इसी को डायरेक्ट बता देते माइनस वाला ये प्लस में था हाँ बताए हो गया आगे बढ़े आज्ञा करें हम लोग तब तो आगे बढ़े हाँ बताए लिखित परीक्षा का रामबाण है ये अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो जाएगा नहीं बिछगढ़ जी देखिएगा ध्यान से अगला क्वेश्चन आप लोग को आता है बताने को जरूरत नहीं आप लोग को नहीं बताना है ए क्यू माइनस बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस स्क्वायर टू ए माइनस बी बात खत्म एक उत्तर क्या होगा कुछ नहीं करना माइनस है ये है एक दशमलव कितना होगा ठीक विकल्प ये भी दे सकता विकल्प एक दशमलव 3 3 1 0.729 बटे 1.21 धन 0.099 धन 0.1 ये क्या है छोड़ दी यहाँ माइनस या दोनों प्लस है मानिए फॉर्मूला बस इसी को पलट देगा उल्टा हो जाएगा एक बटे दो था पांच हो जाता हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर किसी कोई समस्या हो तो पूछ सकता है कोई समस्या नहीं है ना कोई दिक्कत चलिए अच्छी बात है आपको कोई समस्या नहीं हुई है अब इसके आधार पर हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और प्रयास करेंगे उत्तर तक पहुंचने का आंसर तक पहुंचने का ठीक तो ये समझ में आगे विधि अगर ये विधि समझ में आ गई तो एक अध्याय पूरा खत्म ठीक बढ़े आगे